हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। दोस्तों, फ्रेंच डिफेंस के बारे में सब लोगों ने सुना ही होगा। फ्रेंच डिफेंस बहुत ही फेमस लाइन है, जैसे सिसिलियन डिफेंस है, कैरोकान डिफेंस है, वैसे ही फ्रेंच डिफेंस भी बहुत ही फेमस लाइन है। हाउ टू प्ले अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस, इसके बारे में मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी लाइन के बारे में मैं लगातार 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे वेरिएशन कवर हो जाएंगे और आप फ्रेंच डिफेंस के सामने बहुत ही बढ़िया से खेल सकोगे। सबसे पहले फोर्स लाइन, मतलब ये तीनों वीडियो फोर्स लाइन के बारे में है। फोर्स टू फोर्स जितने भी मूव्स हैं, मैं आपको फोर्स बताऊंगा, ताकि अपोनेंट को फोर्स रिप्लाई वही देना पड़ेगा और इसी का फायदा आपको गेम में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। e4, ब्लैक प्लेज e6। नॉर्मली मोस्टली वाइट प्लेयर d4 खेलते हैं सेकंड मूव में, पर यहां पे मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूं जो फ्रेंच प्लेयर को बिल्कुल सरप्राइज करेगा। d4 के बदले 2 नाइट अटैक, यहां पे मैं आपको 2 नाइट अटैक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको खेलना है Nxf3। नाइट f3 के सामने मोस्ट नेचुरल रिप्लाई फ्रेंच प्लेयर का d5 ही होता है, सेकंड मूव e6 देन d5, ये उनका एक परफेक्ट मूव होता है सेटअप। यहां आपको खेलना है Nxc3। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं c5 मूव, थर्ड मूव c5। ब्लैक का रिप्लाई होता है थर्ड मूव c5, और जो बाकी के 2 वीडियो है उसमें आप देखोगे थर्ड मूव d4 इसके बारे में, थर्ड मूव d takes e4 इसके बारे में क्या खेलना है, और थर्ड मूव bishop to b4। तो ये तीनों जो मूव्स है उसके अगेंस्ट के बारे में आपको देखना है, तो मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और उसके बाद लास्ट वीडियो बनेगा Nxf6, जो कि विनावर अगेंस्ट खेलने वाले प्लेयर Nxf6 खेलते हैं, तो इसके बारे में, मतलब सभी मूव्स व्हाइट के, जो ब्लैक के जो थर्ड मूव है वो इसमें कवर हो जाएंगे तीनों वीडियो में। तो चलिए यहां पे आज देखेंगे ब्लैक का c5 मूव। c5 अगेंस्ट यहां आपको खेलना है e takes d5। e takes d5 ये नेचुरल मूव है, कोई भी प्लेयर मारेगा पोन आप जब कैप्चर करते हो। उसके बाद bishop b5 चेक। दोस्तों यहां 2 मेन रिप्लाई है, दोनों रिप्लाई के बारे में देख लेते हैं। एक रिप्लाई है bishop to d7, दूसरा रिप्लाई है Nxc6। तो पहले हम देखेंगे bishop d7, हालांकि ये सही मूव नहीं है, Nxc6 गुड। bishop d7 में जहां आपको queen e7 चेक, ब्लैक खेलेगा bishop to e7, और हो सकता है क्वीन e7 भी खेल सकता है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या क्वीन e7 खेले या bishop e7। यहां सिंपल आपको पेन मिल जाएगा bishop takes d7 आफ्टर Nxd7 एंड Nxd5। तो दोस्तों ये सिंपल स्टार्टिंग से ही पॉन अप भी हो आप, और नेक्स्ट मूव में Nxc7 का फॉर्क भी है आपके पास में। अगर क्वीन एक्सचेंज होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंग सेंटर में रहेगा। क्वीन एक्सचेंज होने के बाद एक पॉन अप का जो कंपेंसेशन है, सिंपल आप गेम विन कर सकते हैं। दूसरा रिप्लाई है Nxc6। Nxc6 में क्या करना है आपको, यहां भी आपको Qe2 चेक देना है। यहां पे ये एक परफेक्ट मूव है bishop e7,
क्योंकि क्वीन ई सेवन अभी पॉसिबल नहीं है, नाइट डी फाइव थ्रेट है। यहां पे आपको खेलना है नाइट टू ई फाइव, पिनिंग नाइट पे अटैक। अब इस पोजीशन में टोटल कितने रिप्लाई है, बिशप डी सेवन एक ये रिप्लाई है, और या तो फिर क्वीन टू डी सिक्स नाइट को सपोर्ट जरूरी है। क्या होता है अगर बिशप डी सेवन खेलता है ब्लैक, बी डी सेवन में सिंपल एक ब्रिलियंट मूव है नाइट टेक्स डी फाइव, नाइट डी फाइव, ब्लैक खेलेगा नाइट टेक्स ई फाइव, क्वीन टेक्स ई फाइव, बिशप बी फाइव, बट आफ्टर नाइट सी सेवन फोर्क के साथ आपको अपना पीस वापस मिल रहा है। ओके, लेट्स ट्राई क्वीन डी सिक्स, नाइट ई फाइव। यहां पे अगर ब्लैक क्वीन डी सिक्स खेलता है, यहां दोस्तों बहुत ही जबरदस्त मूव मैं आपको बताऊंगा, डी फोर। डी फोर के सामने अलग अलग रिप्लाई है, एक तो काउंटर अटैक ऑन ए सिक्स। इस पोजीशन ध्यान रखो, ये पोजीशन के बाद क्या क्या हो सकता है, परफेक्ट मूव आपको खेलना पड़ेगा, अगर एक भी मूव आपने मिस किया तो गेम आपके हाथ से चली जाएगी। तो एक तो मूव है ब्लैक के लिए ए सिक्स, दूसरा है सी टेक्स डी फोर एक्सचेंज, मतलब ऑफर एक्सेप्टेड, और तीसरा जो है सिंपल डेवलपमेंट नाइट एफ सिक्स। चलिए यहां पे देखते हैं सी डी फोर, पहले जब आप डी फोर करते हो तो मोस्ट पीपल पॉन टेक्स पॉन करेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट में आपके नाइट पे अटैक भी है, ऑलरेडी नाइट को सपोर्ट भी है। सी डी फोर में हमें खेलना है बिशप टू एफ फोर, पीस सेक्रीफाइस। हालांकि कुछ ही मिनट के लिए पीस सेक्रीफाइस है, क्योंकि डिस्कवर यहां पे क्रिएट हो रहा है। ओके, लेट्स एक्सेप्ट द सेक्रीफाइस, डी टेक्स सी थ्री, यहां पे सिंपल नाइट टेक्स सी थ्री, डिस्कवर्ड अटैक क्वीन पे आफ्टर क्वीन टेक्स एफ फोर विथ डबल चेक, आपको नाइट टेक्स ई सेवन फिर से डिस्कवर चेक। अब यहां पे मेन मूव क्या है, अगर किंग एफ एट गया तो सिंपल नाइट जी सिक्स। अब दोस्तों यहां पे नाइट टेक्स क्वीन की भी थ्रेट है, नाइट टेक्स एच एट भी है, और फाइनल जो थ्रेट है सबसे बेस्ट चेक। और अगर इस पोजीशन में ब्लैक किंग डी एट जाता है तो सिंपल नाइट टेक्स ई फाइव, और यहां फिर से फोर्क की थ्रेट। तो ये गेम कंप्लीटली व्हाइट विनिंग। ओके, सी डी फोर एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होता है देखते हैं। इस पोजीशन में जब आपने डी फोर सेक्रीफाइस किया है, आइडिया क्या है डी फोर का, बिशप एफ फोर और डिस्कवर की थ्रेट, तुरंत अटैक जब नहीं करोगे आप तो गेम में कुछ फायदा नहीं होगा, इसीलिए तुरंत अटैक के बारे में जल्दी सोचिए। ओके, सी डी फोर के बदले क्या देख रहे हैं हम, ए सिक्स या फिर नाइट एफ सिक्स। चलो पहले नाइट एफ सिक्स दे लें, नाइट एफ सिक्स में यहां भी आपको रिप्लाई देना है बिशप एफ फोर, ब्लैक कैसल, यहां आपको नाइट टेक्स सी सिक्स, आफ्टर क्वीन टेक्स एफ फोर, नाइट टेक्स सी सेवन चेक, किंग एच एट, देन नाइट टेक्स डी फाइव। तो इस पोजीशन में दोस्तों आपको पॉन भी मिल गया है और सिंपल पीस अप, और सेंटर भी आपका जबरदस्त है। अब कोई नहीं सोचेगा ये क्वीन पे अटैक भी है और रुक ई एट भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस बिशप। तो ये गेम सिंपल व्हाइट की विनिंग है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट मूव, एन एफ सिक्स के बदले अगर ब्लैक ए सिक्स ट्राई करता है कि चलो अटैकिंग बिशप जो पिनिंग करके रखा हुआ उसे अटैक करते हैं। ए सिक्स में आपको क्या करना है, यहां ब्रिलियंट मूव है पॉन टेक्स पॉन,
अब ये नाइट क्वीन है इसलिए क्वीन टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंपल यू कैन कैप्चर द क्वीन। तो इस पोजीशन में क्वीन टेक्स सी फाइव ओनली ऑप्शन है बेस्ट, और यहां आपको बिशप ए फोर एक वेटिंग मूव करना है और इस नाइट को पिनिंग रखना है। ब्लैक यहां अगर दो मूव है ब्लैक के पास बेस्ट, एक तो है डी फोर और दूसरा जो मूव है बी फाइव। दोनों मूव के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए अगर पहले ब्लैक ने डी फोर किया आपके नाइट पे ही अटैक, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट डी थ्री काउंटर अटैक करना है क्वीन पे, क्वीन ए फाइव, और यहां एक जबरदस्त मूव है बी फोर। दोस्तों आप देख सकते हो कि नाइट भी पिन है और ये बिशप भी पिन है और ये बी फोर को नाइट का प्रोटेक्शन है, तो फोर्सफुली क्वीन डी एट एक ही अच्छा ऑप्शन है। और यहां पे नाइट ई फोर ब्लैक ट्राई करेगा डेवलप का बिशप ई सिक्स और सिंपल कैसलिंग नाइट एफ सिक्स और उसके बाद नाइट सी फाइव। दोस्तों यहां पोजीशन कंप्लीटली व्हाइट के फेवर में है, क्योंकि नाइट बी सेवन, नाइट ई सिक्स और क्वीन ई सिक्स सारे ऑप्शन आपके पास। और इस पोजीशन में मुझे लगता है कि ब्लैक को कंपलसरी बिशप सी एट जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही पैसिव मूव हो जाएगा, जो उसका डेवलपमेंट है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए यहां पे मैं बी फाइव ऑप्शन भी देख लेता हूं, व्हाट हैपन आफ्टर बी फाइव। यहां पे बिशप ए फोर और डी फोर के बदले क्या होता है अगर ब्लैक ने सीधा ही अटैक कर दिया बी फाइव, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट सी सिक्स। अब ये मूव जबरदस्त है, क्वीन टेक सी सिक्स और उसके बाद नाइट टू बी फाइव, ब्रिलियंट सेक्रीफाइस आपके हाथ में है। इफ टेक्स देन सिंपली यू कैन विन द क्वीन बाय बिशप टू बी फाइव विनिंग द क्वीन। तो दोस्तों ऐसे ही सभी वेरिएशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मूव बाय मूव सभी आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो इस लाइन में क्या देखा आज हमने, खास नोट डाउन कीजिए, ई फोर ई सिक्स और उसके बाद नाइट टू एफ थ्री, टू नाइट अटैक। आज का जो सेशन था वो सी फाइव के ऊपर था, आज का जो मूव है वो सी फाइव है। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पॉन टेक्स पॉन और अलग अलग तीनों वेरिएशन, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखे, हर एक दिन के बाद अल्टरनेट डेज मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।